इस एपिसोड की शुरुआत में हम हेलन, मैनी, एलन और पियर्स को देखते हैं। हेलन कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ढूंढ रही थी। ग्रैंडपा मैक्स ने इन्हें यहीं रुकने का ऑर्डर दिया था। लीडर बनने के लिए मैनी और पियर्स टकरा रहे थे, तभी स्क्रीन पर कुछ मैसेज आता है जो कि ग्रैंडपा का था, जो बता रहे थे, मैं प्लम्बर सैटेलाइट डेल्टा में हूँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है, समझाने का वक्त नहीं है। फिर स्क्रीन ब्लर होती है, फिर उसमें बैन आता है जो उन्हें बता रहा था, इसमें दखलंदाजी मत करना, नहीं तो ग्रैंडपा के साथ साथ तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा। फिर सभी अपनी स्पेसशिप में बैठकर प्लम्बर सैटेलाइट डेल्टा की ओर निकलते हैं। मैनी कह रहा था इसे हम संभाल लेंगे, वो एक ही तो है। एलन बोलता है पर वो बैन है, हमें जो भी आता है वो उसी ने सिखाया है। हेलन कहती है बैन मैक्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलन बताता है पर हमने वो कुछ और ही देखा, लगता है किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया है। सभी सैटेलाइट रिसर्च डेल्टा में पहुंच जाते हैं। यहाँ अंदर पहुंचकर सभी वहाँ मची तबाही देखते हैं। हेलन एक कीबोर्ड पर टैप करके ग्रैंडपा का मैसेज निकालती है, जिसमें वो बता रहे थे अगर तुम्हें ये मिला है तो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मैं ठीक हूँ और मैं कार्गो वाले गोदाम में हूँ जो यहाँ के आखिरी छोर में है, मुझे बचाओ, साथ साथ रहना, याद रखना तुम चारों एक टीम हो। हेलन उनकी लोकेशन देखकर उनकी ओर निकल जाती है। पियर्स कहता भी है उन्होंने कहा है साथ रहना। हेलन आखिरी छोर तक पहुंचती है और ग्रैंडपा को ढूंढने लगती है, पर तभी वहां की लाइट उड़कर बेन बाहर उनका एको में बदलकर मल्टीप्लाई होकर उसे दूर फेंकता है। हेलन कह भी रही थी बेन ये मैं हूं, पर बेन नहीं सुन रहा था। वो सभी उसके ऊपर चढ़कर उस पर तगड़ा सोनिक रे मारते हैं, जिससे हेलन बेहोश हो जाती है। फिर नॉर्मल होकर कहता है ग्रैंडपा मैक्स से कहना मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और चला जाता है। तब तक सभी भी हेलन के पास पहुँचते हैं। हेलन सबको बता रही थी बेन को कुछ हो गया है। मैनी और हेलन उसे फिर से ढूंढने निकल जाते हैं। इस बार भी पियर्स उन्हें वही कहता है साथ रहो, पर हेलन उन्हें मैक्स को ढूंढो कहकर चली जाती है। एलन की मदद से पियर्स को प्लम्बर बैजेस का आइडिया आता है, जिसमें ग्रैंडपा की लोकेशन दिखने लगती है। दोनों उसे फॉलो करते जाते हैं, तभी एलन को पीछे से कुछ आवाज आती है और आगे डोर लॉक हो जाता है। ये दोनों भी अब अलग अलग हो गए थे। बेन ने कम्युनिकेशन पैनल को भी जाम कर दिया था। यार बेन को आखिर हुआ क्या है, क्या पता उसने ग्रैंडपा को मार दिया हो। फिर पियर्स अकेले ही आगे बढ़ता है, जहां वो एक अजीब सी जगह में पहुंचता है। वहां बेन भी था, जिसने प्लम्बर बैस से उसको बेवकूफ बना दिया था। डोर भी लॉक होता है। बेन गूप में बदलकर पियर्स पर अटैक करता है। पियर्स की पावर थी कांटे, आर्चिट की तरह, पर गूप से सब कुछ पार होता जा रहा था। पियर्स बेन को बोलता है बेन तुम्हें उस चीज से लड़ना होगा जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी बेन भी अचानक कहने लगता है पियर्स मेरी मदद करो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके मुंह पर गूपी 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 मारता है। बेन उसे अपने अंदर कैद कर देता है, पर पियर्स अपना कांटा लंबा करके उसके एंटी ग्रेविटी कैप को उड़ाकर बच जाता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। नीचे से बेन ने उस चीज को पिघला दिया था जो नीचे गिर जाती है। पियर्स भागने लगता है। बेन उसे कहता है तुम भाग तो सकते हो पर छुप नहीं सकते। फिर हम हेलन और मैनी को देखते हैं। हेलन ने फिर से ग्रैंडपा का पता लगा दिया था, जिसकी स्किल से मैनी इम्प्रेस हो जाता है। फिर दोनों उसकी ओर जाने लगते हैं। हेलन तेज थी, जिससे डोर लॉक होकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मैनी एक अजीब से रूम में पहुंचकर कहता है मुझे पता है तुम यही हो, बाहर आओ, तुमसे बाकी लोग डरते होंगे पर मैं नहीं। बेन कहता है वो इसलिए क्योंकि बाकी लोग तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, जिससे वो बेन पर गुस्से से फायर करता है। बेन भी नॉर्मल होकर ही बज बज कर उसकी गन्स को गिरा देता है। फिर बेन रैत में बदलकर रैत वाली स्पीच देने लगता है, तुम रैस से लड़ना चाहते थे ना मैनी मॉन्स्टर, तो लड़ो बच्चू। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें मैनी का पल्ला भारी था, उसने रैत का बुरा हाल कर दिया था। फिर बेन उसे दूर फेंक कर एक एक करके WWE के मूव्स मारने लगता है, जो काफी खतरनाक थे। जिन्हें खाकर मैनी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। फिर बेन वहां से चला जाता है। उनकी फाइट की वजह से सेंट्रल कोर डैमेज हो गया था, जो काफी खतरनाक था।
फिर मैनी के पास हेलन पहुंचती है, जिसे भी मैनी बेन के तगड़े तगड़े मूव्स के बारे में बताता है। उसने तो मेरा सर ही घुमा दिया था। तभी उनकी और कुछ आ रहा था जिसे वो बेन समझते हैं, पर वो पियर्स था। अब सिर्फ एलन बचा था जिसकी पिटाई बाकी थी। मैनी उसे अकेला ही ढूंढने निकल पड़ता है। पियर्स उसे कहता है, अकेले पागल हो गया है, बेन हमें फोड़ डालेगा, हमें साथ रहना चाहिए, हम साथ साथ रहेंगे। फिर हम एलन को देखते हैं जिसके आगे बेन आता है। फिर बेन बिकचिल में बदलकर एलन पर बर्फ मारता है। एलन उसके अटैक से बसता बसता अटैक कर रहा था। दोनों के बीच काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। बेन एलन को हरा रहा था और उसे कह रहा था, तुम सबसे कमजोर हो एलन। पर तभी एलन के दोस्त आकर बेन पर अटैक करते हैं। मैनी उस पर फायर करता है। पियर्स भी कांटे बड़े कर देता है। चारों ने लगभग बेन को घेर ही दिया था, पर बेन विलन वाली हंसी हंसकर वहां से चला जाता है। पियर्स बताता है, हमने उसे पकड़ा था, देखा तुमने, अलग अलग हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर शायद साथ में बिगाड़ सकते हैं। मानो या ना मानो, हमने उसकी छुट्टी कर दी। एलन और सभी भी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, बेन हमसे डरकर भाग गया। तभी उनको एक झटका लगता है, जो उस सेंट्रल कोर डैमेज की वजह से हो रहा था। फिर सभी मेन कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां कुर्सी पर पहले से ही अपना बेन बैठा था। बड़ी देर बाद आए हो, पियर्स कहता है, हम तुम्हें एक बार हरा चुके हैं, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। बेन कहता है, हार मान लो, मैं शुरू से ही तुमसे एक कदम आगे रहा हूँ, ये जगह खतरनाक है, मैंने तुम लोगों को यहाँ आने से मना किया था ना। फिर विशालकाय ह्यूमंगसौर में बदलता है, जो वहाँ भी फिट नहीं आ रहा था। एलन मैन पर फायर करता है, जिससे फिर एक एक करके सभी उस पर हमला करने लगते हैं, एकदम टीम की तरह। बेन मैनी को उठाकर हेलन पर फेंकता है। बेन तेजी से आकर उनके ऊपर गिरता है। हालांकि सब बच गए थे, पर स्टेशन का बैलेंस बिगड़कर वो गिर रहा था। पियर्स उन सबको अपने पीछे आने को कहता है। फिर एलन की आंख से हेलन बेन को चारों तरफ से ढककर मैनी उसे गिराता है पियर्स के कांटों पर, जिससे बेन दर्द से जूझकर पियर्स के पीछे पड़ जाता है। पियर्स एक डोर के अंदर आता है। तभी हेलन तेजी से पियर्स को उस डोर के बाहर लाती है। फिर मैनी डोर को ब्लॉक कर देता है। बेन अंदर ही फंस जाता है। फिर क्या, वो गेट को ओपन कर देते हैं, जिससे बेन दूर स्पेस में कहीं खो जाता है। बेन का दी एंड। चारों ये देखकर खुश हो जाते हैं, हमने उसे हरा दिया। मैनी कहता है, मगर हम उसे लेकर कैसे आएंगे, हमारी सिप भी टूट गई है। हेलन मैक्स को ढूंढने लगती है, पर हेलन सबको बताती है बुरी खबर, जब तुम और रैथ लड़ रहे थे तो तुमने सेंट्रल कोर बर्बाद कर दिया था, जिससे ये अब लंदन शहर में गिरकर क्रैश होने वाला था। सभी कहते हैं, अगर ये क्रैश हुआ तो लाखों जाने चली जाएंगी। हेलन बताती है, इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। तभी पियर्स कहता है, एक रास्ता है, सैटेलाइट को क्रैश होने से पहले ही उड़ा देंगे। फिर सैटेलाइट तेजी से अर्थ की ओर जाने लगता है, वो जलने लगा था। फिर वो सभी तीन प्लम्बर बैजेस की मदद से ऑटो डिस्ट्रैक्ट ऑन करके उस सैटेलाइट को उड़ा सकते थे। खुद को कुर्बान करो और लाखों जिंदगियां बचाओ, हम प्लम्बर्स बनना चाहते थे ना, और प्लम्बर्स भी यही तो करते हैं। सभी एक दूसरे को अलविदा कहकर ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देते हैं, पर काउंटडाउन खत्म होने के बाद भी वहां कुछ नहीं फटता। तभी पीछे से ग्रैंडपा आकर कहते हैं, बस इतना काफी है। फिर वहां पर बेन भी आता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बेन नॉर्मल होकर कहता है, कैसे जालिम हो तुम लोग, तुमने मुझे सीधा स्पेस में ही भेज दिया था। सभी कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। पर पहले ग्रैंडपा उस सैटेलाइट के खास रॉकेट ऑन करके सभी को सेफ जगह ले जाते हैं। फिर बेन बताता है, ये सैटेलाइट कोई स्टोरेज वाला गोदाम नहीं है, ये एक ट्रेनिंग स्टेशन है। बेन का बेकाबू होकर मुझ पर हमला करना, ये सब कुछ टेस्ट था, पर हमने सचमुच इसे ऑर्बिट से बाहर डाला था, अगर ये क्रैश होता तो सब गए। मैक्स कहते हैं, तुमने अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगियों की हिफाजत की, अगला पड़ाव प्लम्बर्स एकेडमी। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं, हम प्लम्बर्स बनेंगे। इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। आपको शुरू से क्या लगा, बेन सचमुच बावरा हो गया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।